हाय गाइस, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 एसएसटी की बुक से, क्लास 5 की माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज से। ठीक है, चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है इस बुक से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फेस टू फेस अच्छा वाला रिविजन। जो लोग नए हैं, यानी कि जो बच्चे फोर्थ क्लास से लेकर अभी सीधा सीधा 5 क्लास में आए हैं, वो बच्चों को मैं बता देती हूँ कि पूरी माई बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज जो है वो अच्छे से अपलोड हो चुकी है। अब आपको मैं क्या करवा रही हूँ, मैं करा रही हूँ फेस टू फेस रिविजन नए नए बच्चों के लिए। चैप्टर 1 से हम रिविजन लेके चल रहे हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। नो योर प्लैनेट चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है जिस पर हम रहते हैं, वो कह रहे हैं बहुत ही यूनिक प्लैनेट है। अब पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है, व्हाई इज अवर अर्थ अ यूनिक प्लैनेट? भाई हमारी अर्थ जो है, पहली लाइन में हमसे कहा जा रहा है यूनिक प्लैनेट है। भाई क्या यूनिक है इसमें, ऐसा क्या अलग है? सो इट इज द ओनली प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम दैट हैज वाटर एंड एयर। तो अर्थ ही एक ऐसा अकेला प्लैनेट है, भाई इतने सारे प्लैनेट्स में अर्थ ही अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास पानी है और जिसके पास एयर है। अब पानी और हवा दो चीजें हमारे पास है, इसी वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक यूनिक, बिल्कुल अलग सा अच्छा सा हमारा प्लैनेट है, राइट? अवर अर्थ हैज लैंड मासेस, जो हमारी धरती है उस पर लैंड मासेस है। लैंड मासेस का मतलब क्या हुआ? जो धरती जिस पर हम रह पाते हैं, ठीक है ना, भूमि जिसे हम बोल सकते हैं, लैंड वो है। प्लस अर्थ पे क्या है? वाटर बॉडीज हैं। सभी को पता है कि भाई ओशंस भी हैं, हमारे यहाँ पॉन्ड्स भी हैं, लेक भी हैं, है ना, रिवर्स भी हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये वाटर बॉडीज कहलाती हैं। अब इसके आगे बात करें तो द लार्ज लैंड मासेस, जो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े भूमि जो होती है टुकड़े, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लार्ज लैंड मासेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और लार्ज वाटर बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? हम उन्हें ओशन, समुद्र बोलते हैं। सी ओशन से छोटा होता है, समुद्र तो है लेकिन ओशन बहुत बड़ा होता है, सी उससे थोड़ा सा छोटा होता है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं शेप ऑफ द अर्थ के बारे में। देखो, इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज अ फ्लैट एंड हैड स्टीप एजेस। अब पहले के लोग कितने क्या सोचते थे, उन लोगों को लगता था कि जो अर्थ है ना वो एकदम ऐसे फ्लैट है, है ना, जैसे ये मेरा फोन है ना, ये बिल्कुल ऐसे वो सोचते फ्लैट है और एक दिन ना हम क्या है आगे किनारे तक आ जाएंगे और स्टीप सी होगी तो ऐसे नीचे गिर जाएंगे हम। इजंट इट, ऐसा है क्या? नहीं, बाद में ये प्रूव हुआ कि अर्थ ऐसा नहीं है। ठीक है, सो वापस लेते हैं। इन एंशियंट टाइम पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैड स्टीप एजेस। स्टीप एजेस मतलब इस तरह के एजेस हैं, उसके किनारे जो बहुत ही स्टीप से हैं। लेकिन फिर कौन आए? फर्डिनेंड मैगेलन, नाम याद रखना, फर्डिनेंड मैगेलन एक पोर्चुगीज, पुर्तगाली, पुर्तगाल से आए थे ये, पुर्तगाली जो थे एक्सप्लोरर आए। ठीक है, एक्सप्लोरर कौन होते हैं? जो एक्सप्लोर करें, खोज करें, है ना। तो उन्होंने क्या किया? सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, सुना ना, पूरे वर्ल्ड की समुद्र से यात्रा करी, है ना, पूरे वर्ल्ड की समुद्र यात्रा करी। एंड क्या किया? प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। एक्चुअली हुआ क्या, वो जहां से चले और वो वापस से पूरा जब पूरी दुनिया घूम के लौटे तो पता चला वो उसी पॉइंट पर आ गए वापस से। तब ये प्रूव हुआ कि अर्थ जो है वो हमारी कोई ऐसे फ्लैट नहीं है, फ्लैट होती तो एक जगह पे खत्म हो जाती, वो वापस थोड़ी ना लौट के आते, लेकिन अर्थ कैसी है? हमारी राउंड है। किसने प्रूव किया था ये बात याद रखना, फर्डिनेंड मैगेलन ने किया था, एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे। ठीक है, कैसे किया था? इन्होंने सेल अराउंड द वर्ल्ड किया था। ठीक है, आपकी बुक में इतना ही रखा है, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए थे। अब आ जाइए, पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस हैव आल्सो प्रूव्ड दैट द अर्थ इज लाइक अ स्फीयर। जो पिक्चर्स ली गई, ठीक है, ऊपर स्पेस से जाकर धरती की पिक्चर्स ली गई और उन पिक्चर्स को जब देखा गया तो उनसे भी ये प्रूफ हुआ कि द अर्थ इज लाइक अ स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या हो गया? जैसे संतरे की शेप होती है ना, ऊपर से हल्की हल्की, यहाँ से फ्लैट, हल्की सी फ्लैट, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जैसे, ठीक है, हल्का हल्का यहाँ से फ्लैट और यहाँ से बल्जी है, ठीक है, मोटा मोटा सा है बाहर निकला हुआ है, तो ये हमारी शेप होती है, इसीलिए इसको सर्कल ना बोल के स्फीयर बोलते हैं, राइट? इट इज राउंड बट स्लाइटली फ्लैटेंड होती है एट द टॉप एंड द बॉटम। टॉप और बॉटम से हल्की की फ्लैट होती है और इधर से बल्जी सी होती है, थोड़ी बाहर को निकली होती है, मोटू सी होती है, राइट? अब व्हाट इज अ ग्लोब? मैंने आपको अभी भी दिखाया क्या होता है, वैसे ये ग्लोब है क्या एक्चुअली? टू स्टडी द अर्थ वी नीड इट्स मॉडल। अब देखो, मुझे पूरी धरती के बारे में अगर आपको बताना है तो ये जो मेरा एक सेकंड, मैं इसको सेट करती हूँ, देखो, ठीक है, तो ये जो है इस मॉडल के हेल्प से मैं आपको आराम से समझा सकती हूँ, है ना, कि भाई ये जगह यहाँ पर है, ये जगह यहाँ पर है, इस तरीके से यहाँ पर ब्लू ब्लू दिख रहा है, जो वाटर है, इस तरीके से क्या होता है कि आसान हो जाता है बच्चों को समझना। ठीक है, कोई भी चीज किसी को भी पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ग्लोब क्या है? एक मॉडल है,
जैसे जब कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले उसका मॉडल तैयार किया जाता है, ये पता चलता है कि भाई ये बिल्डिंग एक्चुअली ऐसे बन के निकलेगी, है ना, छोटा सा एक मॉडल तैयार किया और फिर पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में जब ये बड़ी बनेगी तो इस तरीके की बनेगी, यहाँ ये रास्ता हुआ, यहाँ किचन हुआ, यहाँ बाथरूम हुआ, राइट। सो मॉडल्स बनते हैं ऐसे। सो ये भी क्या है, एक मॉडल है। अ ग्लोब इज अ सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है बड़ा सिंपल सा है, मतलब आप आराम से कैरी भी करते हो, तो मतलब जैसे ऐसे पॉकेट में तो नहीं कैरी कर सकते बट आम अपने घर वगैरह में भी रख लेते हैं, तो एक सिंपल सा है ऐसा, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, इसको देखो तो समझ में आ ही जाता है कि यूरोप यहाँ पर लिखा हुआ है या इंडिया यहाँ पर, ऐसे। प्लस एक्यूरेट है, बिल्कुल वहीं पर है इस पे हर चीज जो धरती पर एक्चुअली में है। एक्यूरेट मतलब एग्जैक्टली वही, राइट। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब ग्लोब की मदद से हम ये समझ पाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर तो लैंड है, कहाँ कहाँ पर तो भूमि है और कहाँ कहाँ पर वाटर है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे पूरे पे कहाँ कहाँ तो भाई लैंड है और कहाँ कहाँ पे पानी है। वो ग्लोब को देख के हम आराम से समझ लेंगे। अब अपने को दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है ये ब्लू ब्लू पार्ट जो है सारा पानी पानी है, ओशन ही ओशन है ये सारा का सारा, आप देख पा रहे हो। और ये पिंक आपको, या अगर दिखे तो ये देखो ये पिंक दिख रहा है, ये येलो दिख रहा है, ये सब लैंड मासेस हो गए हमारे, राइट। तो यहाँ पर रशिया है देखो, ठीक है, चाइना है, तो ये जो है ये तो आपको लैंड मासेस बता रहे हैं, और ये जो ब्लू ब्लू सब दिख रहा है आपको इसलिए पानी पानी दिख रहा है, देख रहे हो आप कितना पानी है हमारी अर्थ पर। आप आगे आइए। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वी कैन ऑल्सो सी द करेक्ट शेप, हम देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली कैसी शेप है, कैसे साइज है एंड लोकेशन कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट की। कॉन्टिनेंट क्या बताया था, लार्ज लैंड मासेस, बहुत बड़े बड़े भूमि के टुकड़े, ठीक है। एंड ओशन ऑन द ग्लोब, हमें सब समझ में आता है भी कौन सा ओशन कहाँ पर है ना, जैसे कि इंडिया है, आप इंडिया के नीचे बिल्कुल टिप के नीचे देखो बिल्कुल साउथ साइड में कौन सा है, इंडियन ओशन है एक तरफ, और क्या है आपको पता होगा अरेबियन सी वगैरह है ना, तो ये सब चीजें आपको पता है। तो हम जब ग्लोब देखते हैं तो देखो हमें आराम से समझ में आ जाता है इंडियन ओशन है हमारा, ठीक है। ये देख पा रहे हो, ये देखो अगर दिख रहा हो छोटा छोटा, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना इंडियन ओशन, वैसे तो उल्टा दिख रहा होगा कैमरे से, चल कोई बात नहीं। वी कैन ऑल्सो सी द करेक्ट शेप साइज एंड लोकेशन एंड द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन ऑन द ग्लोब। ये तो हम ग्लोब की एडवांटेजेस में हम लिख सकते हैं कि भाई ग्लोब से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। बट वी कैन नॉट ऑलवेज यूज अ ग्लोब टू स्टडी द अर्थ। हम हमेशा ना ग्लोब से ही सिर्फ कहें कि भाई सारा ग्लोब ही सफिशियंट है, तो ऐसा नहीं होता। आप सोचो अगर मैं यहाँ से कहीं भी जा रही हूँ तो इजंट इट सिंपल फॉर मी टू कि मैं ग्लोब उठाऊँ और ऐसे लेके जाऊँ, थोड़ा डिफिकल्ट है ना। लेकिन यहीं अगर मेरे पास मैप होता है ना, एक पेपर पर मैप बना हुआ था, तो मैं उसको फोल्ड करती अपनी पॉकेट में रखती और आराम से मैं जा सकती थी। सो मैप जो होता है उसको यूज करना आसान होता है ग्लोब के मुकाबले, है ना। ग्लोब पे चीजें एक्यूरेट होती हैं, साइज सही होता है, लोकेशन वगैरह सब समझ में आती है, लेकिन इसको कैरी करना सबसे पहले तो उतना सिंपल नहीं होता जितना कि मैप को कैरी करना आसान होता है, ठीक है। और चलो आगे भी बढ़ लेते हैं एक मिनट। अ लार्ज ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड, है ना, बड़ा ग्लोब होगा तो उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अ ग्लोब इज स्मॉल एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्लेस कैन नॉट बी शोन ऑन इट। अब ग्लोब क्या होता है भाई, इतने छोटा है, अब डिटेल्स तो हम नहीं दे सकते ना सारी, कितनी छोटी 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 इतनी डिटेल्स होती है, वो इतना आसान इस पर नहीं होता। अब ग्लोब जो होता है, एक बात और सोचो, ग्लोब तो है पूरी धरती का, लेकिन मैप तो हम अपने सिर्फ अपने जो एरिया है ना उसका भी बना सकते हैं, है ना। अगर आप सिर्फ दिल्ली की बात करो तो दिल्ली का क्या बन सकता है, ग्लोब बन सकता है नहीं, मैप बन सकता है। सो डिटेल्स हम सारी दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर दिल्ली में ये वाले हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर स्कूल्स हैं, ठीक है। सो मैप में इवन आप किसी को समझा भी सकते हो कि भाई मेरा घर यहाँ पर है। सो मैप जो होता है वो अगर हम कंपेयर करें ग्लोब से तो मैप इज बेटर। एक्चुअली बेटर क्यों है, क्योंकि उसको कैरी करना भी आसान है, उस पर डिटेल्स भी देनी आसान है ना। आप आ जाइए। सो Only one half of the earth can be seen at a time. अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आपको आधा ही तो दिख रहा है ना एक बार में, फिर मेरे को घुमाना पड़ेगा फिर आपको आधा दिखेगा, ठीक है। एक बार में आप पूरा नहीं देख सकते, लेकिन यहीं अगर मैं कोई मैप आपके सामने खोल दूं तो आपको वो मैप पूरा का पूरा एक ही बार में, एक ही नजर में दिख जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैप्स के बारे में उन्होंने दिया है कि व्हाट इज अ मैप, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ मैप, सो अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है, जो समझाता है, बताता है हमें, जिसे देखकर हम चीजों को समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के पूरे सरफेस को, या कह रहे हैं पार्ट ऑफ इट। पार्ट ऑफ इट का मतलब क्या हो सकता है कि भाई मैप जो है एक तो पूरे अर्थ के सरफेस का हो सकता है, दूसरा मैप केवल भारत का भी हो सकता है, तो भारत जो है वो वर्ल्ड का एक पार्ट ही है,
या भारत का भी एक पार्ट दिल्ली है समझ लो, तो दिल्ली का भी हो सकता है, दिल्ली का एक पार्ट मान लो बसंत कुंज है, तो बसंत कुंज का भी अकेला बना सकते हैं। तो मैप तो हम जो है वो पूरा का पूरा वर्ड का भी बना सकते हैं या फिर कोई पार्ट का भी मैप बना सकते हैं, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन किस किस की हो सकती है, अर्थ के सरफेस की भी हो सकती है और उसके किसी पार्ट की भी हो सकती है। आई होप यहां तक बात अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखिए, द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो। अब लैटिन जो है वो समझ लो भाषा है, वहां से ये वर्ड जो मैप लिया है ना वो लैटिन भाषा के वर्ड मैपो से लिया गया है, ठीक है। मैपो वर्ड से जो है मैप शब्द आया है, विच मीन्स नैपकिन। मैपो वर्ड का मतलब पूछा जा सकता है आपसे, नैपकिन, नैपकिन को ऐसे खोल देते हैं, ऐसे ही मैप को भी हम खोल सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट ही सरफेस बन जाता है उसका, विच मीन्स नैपकिन। अब आगे आइए, एक फ्लेमिश मैप मेकर थे जिनका नाम था गर्डस मार्केटर। अब इनकी स्पेलिंग याद कर लेना, मैं बता दे रही हूँ, GERARDUS MERCATOR। इनकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, एक फ्लेमिश मैप मेकर थे। मैप मेकर कौन होता है, जो मैप बनाता है, ठीक है। वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश द कलेक्शन ऑफ मैप। अब कलेक्शन ऑफ मैप क्या होता है, जैसे मान लो दिल्ली में ही है आपने बसंत कुंज का, सरोजनी मार्केट का, यहाँ का, वहाँ का, कई सारे मैप बना लिए, या आपने दिल्ली का मैप, आगरा का मैप, यू नो लखनऊ का मैप, ये भी हो सकता है कलेक्शन ऑफ मैप, या फिर आप जो है वो देशों के मैप, चाइना का मैप, इंडिया का मैप, यू नो कलेक्शन ऑफ मैप, ठीक है, उन्होंने पब्लिश किए थे। अब कलेक्शन ऑफ मैप को क्या कहा जाता है, मैप की जो किताब हुई उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एटलस, ठीक है। वॉट इज एटलस, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑन अ फ्लैट सरफेस टू शो कॉन्टिनेंट्स। हम देखो मैप को क्या कर सकते हैं, एक फ्लैट सरफेस पे, बिल्कुल पेपर पे, हम मैट को जो है वो आराम, वही मैप को जो है ना, मैट को यार मतलब मैट मैप एक ही चीज रखे ना, ठीक है, मैप को जो है अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर ड्रॉ करने के बाद हम उस पर कॉन्टिनेंट्स बता सकते हैं, भैया कहाँ कहाँ कॉन्टिनेंट्स है, कहाँ कौन सी कंट्री है, कहाँ सिटीज है, यू नो इवन द नेबरहुड भी हम देख सकते हैं। जैसे जब भारत का मैप खुलता है तो हमें पता चलता है ना कि यहाँ अफगानिस्तान है हमारा नेबर, यहाँ पे पाकिस्तान है हमारा नेबर, इधर नेपाल है, चाइना है, तो नीचे श्रीलंका हो गया। सो बहुत ही आसान हो जाता है जब हम मैप पे कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं और समझाते हैं कोई चीज़। यू कैन ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल एंड शो कर सकते हो ऑल द डिटेल्स ऑन इट। आप क्या कर सकते हो कि भाई अपने स्कूल का मैप भी बना सकते हो और पूरी डिटेल्स की भी, यहाँ पर कैंटीन है, यू नो यहाँ पर क्लास ए वन है, टू है, थ्री है, ये वाले सेक्शंस हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी है। तो मैप क्या है, बहुत आसानी से आप जो है बना सकते हो और आराम से लोगों को उसको समझा भी सकते हो कोई चीज़, कोई जगह कहाँ पर है। सो इन दिस वे मैप इज बेटर देन अ ग्लोब। ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज बेटर, ग्लोब और मैप, एंड व्हाई। तो व्हाई में मैंने इतने सारे रीजन आपको दे ही दिए हैं, आपको लिखने हैं। हाउ एवर, फिर भी द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप एंड इट्स सरफेस इज कर्व्ड। फिर भी हम देखो मैप 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 बोल तो बहुत रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये तो पता है कि मैप जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस है, लेकिन हमारी अर्थ क्या फ्लैट है, नहीं हमारी अर्थ तो फ्लैट नहीं है, वो बोल रहे हैं। फिर भी इसकी शेप तो कैसी है, स्पेरिकल है, और सरफेस कैसा है इसका, ऐसे कर्व्ड है। सो अ कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन करेक्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज अ पेपर। वो कह रहे हैं कि भाई गोल गोल जो कर्व्ड सरफेस है उसको उतना अच्छे से मैप जैसे एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करना उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता, उतना करेक्टली नहीं हो सकता, है ना। तो जो अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो वो तो ग्लोब ज्यादा रहता है। टू नहीं, ट्राई टू कवर अ बॉल, कोशिश करो एक बॉल को कवर करने की, है ना, उसके ऊपर ऐसे कवर चढ़ाने की, विद अ शीट ऑफ पेपर विदाउट क्रीजिंग इट, मतलब उसमें क्रीज नहीं होनी चाहिए, सलवटें नहीं आनी चाहिए। कर सकते हो ऐसे, वो तो आ जाएंगी सलवटें, है ना, मैं ऐसे कैसे पेपर चढ़ाऊंगी बिल्कुल उस पर क्रीज ही ना हो, है ना। सो इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिना क्रीज के तो नहीं हो सकता, गोल गोल बॉल पे पेपर ढकूंगी तो क्रीज तो आ ही जाएगी, है ना, लाइन्स तो उसमें पड़ ही जाएंगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट मैप ऑफ अ कर्व्ड सरफेस। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम किसी कर्व्ड सरफेस का बिल्कुल एक्यूरेट मैप बना सकें। तो एक्यूरेट ज्यादा क्या हुआ हमारा, ग्लोब हो गया, ठीक है। हाउ एवर, फिर भी स्मॉल एरियाज कैन बी रिप्रेजेंटेटेड फेयरली एक्यूरेटली ऑन द मैप। लेकिन हम अगर स्मॉल एरियाज की बात करें, पूरी धरती को एक साथ ना बात करके स्मॉल एरियाज की बात करें, तो हाँ मैप जो है काफ़ी हद तक जो है वो एक्यूरेट रिप्रेजेंट कर पाता है कि जगहें कहाँ पर हैं। दिस मेक्स मैप्स यूजफुल टूल। तो इस तरीके से मैप जो है वो काफ़ी यूजफुल टूल है हमारे लिए टू स्टडी द अर्थ, अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए। अब
मैप भी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ मैप पढ़ लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, अलग अलग टाइप के मैप होते हैं। पहला हो गया हमारा फिजिकल मैप, जो कि शो करता है फिजिकल फीचर्स। अब फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि जो फिजिकल मैप होता है वो हमें बताता है कि भाई माउंटेन्स कहाँ पर हैं, प्लेट्यूज कहाँ पर है। प्लेट्यूज क्या होता है पहले बताओ, टेबल लैंड होती है ना, जैसे एक हाई जगह पर जाके ऊंची जगह पर, एक ऐसी जगह जो ऐसे ऊपर से तो फ्लैट हो लेकिन ये साइड जो है वो उसकी स्टीप हो, है ना। एक ऐसे लैंड हो जैसे टेबल होती है ना, पूरा कहीं हाई माउंटेन पे जाओ ऊपर की तरफ देखो तो ऐसे एक टेबल जैसी लैंड बनेगी आपको, जो ऊपर से तो ऐसे फ्लैट होगी लेकिन यहाँ से स्टीप होगी, यहाँ से भी स्टीप होगी। सो ऐसे प्लेट्यूज भी हैं, ठीक है। तो फिजिकल मैप में हम बता सकते हैं कि माउंटेन्स कहाँ पर हैं, प्लेट्यूज कहाँ पर हैं, प्लेन जगहें कहाँ पर हैं, रिवर्स कहाँ पर हैं, नदियाँ कहाँ पर हैं, राइट। कंट्रीज, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल वो शो किए जाते हैं पॉलिटिकल मैप पे। फिजिकल पेपर फिजिकल फीचर्स, यानी कि जैसे कि माउंटेन्स कहाँ हैं, प्लेट्यूज कहाँ पर हैं, प्लेन कहाँ पर हैं और नदियाँ कहाँ पर हैं। समझ में आए, चार चीज़ें लिख कर आनी है आपको। पॉलिटिकल मैप में हम बताएंगे कि कोई देश कहाँ है और उस देश की जो है वो स्टेट्स कहाँ कहाँ हैं, उन स्टेट्स के कैपिटल कहाँ कहाँ हैं, ये हमारा पॉलिटिकल है। उसके बाद आते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्लाइमेट, रेनफॉल, है ना, किसका क्लाइमेट, कौन से देश का क्लाइमेट कैसा रहता है, कहाँ कितनी बारिश होती है, ये इस तरह के जो रीजन अगर बताए जाए वो बताए जाते हैं क्लाइमेटिक मैप्स। तो तीन तरीके के मैप हो गए हमारे। कौन कौन से मैप हो गए भाई हमारे, फिजिकल जो फीचर्स बताता है वो फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बताता है पॉलिटिकल मैप, और क्लाइमेटिक मैप्स, ठीक है, जो क्लाइमेट मौसम वगैरह बताता है। फिजिकल फीचर्स में कौन कौन से थे, चार चीज़ें आती थी, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड रिवर्स। और पॉलिटिकल वाले में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कंट्रीज, स्टेट्स और उनके कैपिटल, ये तीन चीज़ें आ रही हैं। और क्लाइमेटिक मैप्स में तो क्लाइमेट समझ लो मौसम बताना है ना, कि कहाँ कितना रेनफॉल वगैरह होगा, कहाँ का क्लाइमेट मौसम कैसा रहता है, उसके बारे में बताते हैं। बिसाइड्स दीज, इनके अलावा भी देर आर मैप्स दैट टेल अस अबाउट द इंडस्ट्रीज, कहाँ की कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं वो भी होते हैं मैप, है ना। पॉपुलेशन बताते हैं कि भी कहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ट्रांसपोर्ट के बारे में बताते हैं, मिनरल्स के बारे में बताते हैं, क्रॉप्स के बारे में बताते हैं, सॉइल के बारे में, कहाँ की मिट्टी कैसी है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं, वाइल्ड लाइफ, मतलब मैप जो है वो वैरायटी ऑफ मैप हो सकता है, मेन तीन काइंड है, लेकिन फिर भी मैप पर हम ये जानकारियाँ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो मिनरल वाला ही मैप हुआ, है ना, तो आपने एक मैप ड्रॉ किया, उसमें जगहें ड्रॉ करी और फिर मिनरल के लिए कोई साइन बना दिया कि हाँ भाई यहाँ पर ये मिनरल पाए जाते हैं, तो आप मैप पे दिखा सकते हो ना, ये वाले मिनरल यहाँ 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 पाए जाते हैं। या क्रॉप ले लो तो फिर ये वाली क्रॉप यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, आप मार्क कर सकते हो उस पर, ये उनका मतलब है। अब आ जाइए भाई रीडिंग मैप्स। अब मैप को भी रीड करना इतना सिंपल तो नहीं है, है ना। सो कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं। अब मान लो नदी है, तो क्या आप पूरी नदी, सॉरी, सो क्या आप पूरी नदी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, कोई सिंबल होगा। मान लो मैप पे मुझे हॉस्पिटल दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी, मैं एक प्लस का साइन लगाती जाऊंगी, है ना। अब हॉस्पिटल बनाऊंगी तो फिर पॉसिबल नहीं है ना, इतना सारा ड्रॉइंग बनाना एक मैप पे, और फिर खचड़ पचड़ हो जाएगी। क्या किया गया, सिंबल्स बनाए गए, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं। मैप्स गिव अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंट्री और अ प्लेस। जो मैप होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी देश के बारे में, उसकी जगहों के बारे में। वी मस्ट नो, हमें जानना ही चाहिए हाउ टू रीड अ मैप। तो भाई हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि भाई मैप को कैसे रीड करना है और कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को जो भी प्रोवाइड की जा रही है। एवरी मैप हैव सम बेसिक फीचर्स, हर मैप के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं एज फॉलो। सबसे पहले हम डायरेक्शंस की बात करें भाई, तो डायरेक्शन कैसी होती है भाई, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ डायरेक्शंस होती हैं। सो ऑल मैप्स शो करते हैं सिस्टम ऑफ डायरेक्शंस। फोर्थ होती है हमारी मेजर डायरेक्शंस, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द टॉप मोस्ट, जो सबसे ऊपर होता है मैप में, कौन सा होता है डायरेक्शन हमारी, सबको पता है टॉप पे तो नॉर्थ ही होता है। बिल्कुल नीचे कौन सी होती है हमारी, साउथ होती है। बॉटम बोलते हैं ना जिसको, नीचे को हम बॉटम भी बोलते हैं। द बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ। ईस्ट कहाँ होता है, टू द राइट, राइट साइड में ईस्ट हो गया, एंड वेस्ट इज लेफ्ट साइड में हो गया। द डायरेक्शन ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी शोन बाय एन एरो, जो कि मार्क किया जाता है एन, है ना। डायरेक्शन ऑफ द मैप जो मैप पे हम दिखा सकते हैं वो हम एरो से भी दिखा सकते हैं कि भाई एन दिखाया तो नॉर्थ की साइड होगी इस तरीके से, विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। और अगर हम एरो बनाएंगे साउथ की साइड, तो आपको क्या दिखाएगा, ये साउथ की साइड है, ऐसे लिख देंगे अगर। तो वी कैन ऑल्सो मार्क फोर मोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब ये वर्ड जो है इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट मतलब जैसे मान लो नॉर्थ और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की, तो नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ और वेस्ट तो नॉर्थ वेस्ट, तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन, उनके बीच की इस तरह वाली डायरेक्शन, है ना।
सो नॉर्थ ईस्ट लाई कहाँ करती है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, याद बड़ा आसानी से हो जाना है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। साउथ ईस्ट कहाँ होगा? साउथ और ईस्ट के बीच में। साउथ वेस्ट कहाँ होगा? साउथ और वेस्ट के बीच में। तो आसान है यहाँ तो जगह। स्केल क्या होता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द एक्यूरेट साइज ऑन द अर्थ ऑन अ मैप बिकॉज इट इज टू लार्ज। अब अगर मुझे ये कहा जाए कि 15 किलोमीटर ड्रॉ करो, तो मैप 15 किलोमीटर इतना लंबा ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, स्केल बना लेंगे। मान लो कि हमने 15 किलोमीटर दिखाने हैं, 1 किलोमीटर दिखाना है, तो हम दैट डिपेंड्स कि हम किसका मैप बना रहे हैं, राइट? तो हम 1 सेंटीमीटर मान लें, 1 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, तो हम उसके हिसाब से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ और भी बड़ा है तो फिर और छोटी यूनिट बना लें उसे। इस तरीके से स्केल होता है अर्थ ऑन अ मैप बिकॉज इट इज टू लार्ज। लेट अस सपोज दैट द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली और आगरा 200 किलोमीटर है। बताओ 200 किलोमीटर ड्रॉ कर सकते हो? 200 किलोमीटर ड्रॉ होगा? नहीं होगा। बाप रे, 200 किलोमीटर हम क्या कर सकते हैं? ऐसे 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर कर दो, है ना? तो फिर 2 सेंटीमीटर मतलब आप नीचे स्केल लिख देना कि 100 किलोमीटर बराबर मेरा 1 सेंटीमीटर मैंने माना है। तो फिर उसके बाद आप उसको हिसाब से ड्रॉ कर देना। 2 सेंटीमीटर ड्रॉ दिखाया आपने, कोई समझ जाएगा आराम से कि भी 200 किलोमीटर की बात चलती है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू शो दी सिटीज एट 200 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर ऑन द मैप। देयरफॉर द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द स्मॉलर यूनिट, जिसे हम सेंटीमीटर वो बोल रहे हैं। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप नोन एज द स्केल। यानी कि यहाँ रेशियो क्या रहा? 100, जो मैंने माना था 100 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना रेशियो बनाया था मैंने? 1 सेंटीमीटर, है ना? तो ये रेशियो, अब मान लो 200 का हो तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये रेशियो जो है वो यही रेशियो जो होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? स्केल कहलाता है, ठीक है? तो मैंने स्केल क्या लिया है अभी? स्केल क्या था मेरा अभी? 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये मेरा स्केल है, ये रेशियो मेरा स्केल है, ठीक है? इन दिस केस वी वुड राइट एज 5 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर, ये उन्होंने लिया था, ठीक है? मेरा स्केल अलग मैंने लिया अभी। मैप्स आर ऑलवेज रॉन्ग टू स्केल, मैप तो हमेशा भाई स्केल से ही हो सकते हैं। आप 200, 400, 500 किलोमीटर हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। चलिए सिंबल्स की बात कर लेते हैं। देर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप टू शो माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ब्रिजेस, डैम्स, टेम्पल, चर्चेस, रेलवे ट्रैक्स, ये सारी चीजें, इतने डिजाइन अगर मैंने मैप में बना दिए, सोचो किसी को कुछ समझ में आएगा? खिचड़ी हो जाएगी पूरे मैप पे, है ना? रेलवे स्टेशन ड्रॉ कर दिया तो पूरा मैप उसी में भर जाएगा। तो हमने क्या सोचा? हमने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा जिन्होंने ये सिंबल्स बनाए हैं, राइट? हमने तो बस पढ़ रहे हैं। तो क्या किया गया? सिंबल्स बनाए गए कि अगर मान लो कहीं पर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल है, है ना? तो इस तरह के ये सिंबल्स बनाए गए। ये आगे की कहानी जो क्लासेस आएंगे आपको और सिंबल्स बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तो हाउएवर अ मैप विदाउट दिस इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी यूजफुल। अगर हम मान लो कह रहे हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन भी ना दें कि माउंटेन कहाँ है तो, या रद नदियाँ कहाँ है, या टेम्पल कहाँ है, चर्चेस कहाँ है, तो वो यूजफुल ही नहीं है। तो इसके लिए दिखाना जरूरी हो गया, समझ लो। सो डिफरेंट सिंबल्स आर देयरफॉर यूज किए जाते हैं ऑन अ मैप टू गिव दिस गिव अस दिस इन्फॉर्मेशन। तो अलग अलग हम सिंबल बना रखे हैं, चिन्ह बना रखे हैं, जिससे कि हम इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो कर सकते हैं ड्रॉ, मतलब दिखा सकते हैं मैप आराम से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल द लैंड बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज शोन बाय थिक डैशेस, मोटे मोटे डैश है, इसका मतलब लैंड बाउंड्री है ये, ठीक है, कंट्रीज की, एंड डॉट्स इन ब्लैक। फॉर एग्जाम्पल द लैंड बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज शोन बाय थिक डैशेज एंड डॉट्स इन ब्लैक, उस पर ब्लैक ब्लैक डॉट होंगे। तो अगर हमारे मोटे मोटे थिक डैशेज हैं, ब्लैक ब्लैक डॉट हैं, समझ जाएंगे क्या लैंड बाउंड्री है ये कंट्री की, है ना? उसी डिजाइन से हमें आइडिया लग जाएगी क्या है। अ सिटी इज मार्क्ड बाय स्मॉल सर्कल, छोटे छोटे सर्कल बने हुए, तो हमें क्या पता चल जाएगा यहाँ पर ये शहरों की बात है चल रही है। अब देखो शहर नहीं ड्रॉ करना पड़ा, छोटा सा सर्कल मतलब शहर, बात समझ आ गई। जैसे कि हमने ए को ए एक सिंबल ही तो है ना, बी को बी एक सिंबल ही है ना, वही कलर्स। वी यूज डिफरेंट कलर्स टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप, हम अलग अलग कलर्स शो करते हैं। जनरली मैप फॉलो करते हैं कॉमन कलर स्कीम, सारे जो मैप्स होते हैं वो कॉमन कलर स्कीम, जैसे ब्राउन हो गया, सो ब्राउन हमें पता है माउंटेन वगैरह के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन फिजिकल मैप, जहाँ पे फिजिकल मैप में क्या बताते हैं, माउंटेन, रिवर्स, प्लेट्यूज, है ना, ये सब बताते हैं। सो वाटर बॉडीज कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर। तो जहाँ जहाँ ब्लू कलर हम समझ लेंगे यहाँ पर क्या है, ये वाटर बॉडीज है, यहाँ पर पानी है। लाइट ब्लू इज यूज फॉर शेलो, शेलो वाटर के लिए, और डार्क ब्लू किस लिए होता है? डीप वाटर के लिए। अब शेलो वाटर क्या होता है? जो बहुत ज्यादा गहरा पानी नहीं हो। डीप वाटर क्या होता है? जो बहुत ज्यादा गहरा होता है, ठीक है। प्लेन और लो लैंड्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं? उनका शेड होता है ग्रीन। अब ये याद करने पड़ेंगे शेड आपको, है ना, पानी का रंग तो ब्लू याद ही हो जाएगा। अब डीप ब्लू कलर कौन सा, मतलब डार्क ब्लू कहाँ होगा, लाइट ब्लू कहाँ होगा, ये सब याद कर लेना। हाइलाइट्स आर शोन ब्राउन,
हाईलैंड्स जो ऊंची ऊंची लैंड होते हैं, पहाड़ वाले जो लैंड हुए वो शो किए जाते हैं ब्राउन कलर में। अ की इज गिवन ऑन अ मैप टू हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ की। की मतलब क्या होता है, जैसे एक मैप बना होगा ना उसके साइड में एक बॉक्स बना के उसके अंदर लिखा हुआ होगा आपको कि ये इसके लिए हम यूज कर रहे हैं, तो की होती है ये, ठीक है। सो की दी जाती है कलर स्कीम समझने के लिए, मतलब जैसे ब्राउन कलर का बना होगा उस पर लिखा होगा हाईलैंड शो करें, ग्रीन कलर बना होगा तो आपको बताएंगे ग्रास लैंड हो रही है शो इससे, ठीक है। तो ये सिंबल्स जो है मतलब समझने के लिए हमारी काम आती है ये की। सो लुक एट मैप 1.2 आप लुक कर लेना हमारी बुक में। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि इट्स की शो कर रही है हाइट ऑफ लैंड अबव द सी की, भाई यहाँ पर एक की दिखा रखी है और उसमें क्या कर रखा है कि आपको दिखा रखा है कि भाई हाइट कितनी 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 है, तो उसके हिसाब से उन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। लेवल डेप्थ ऑफ बिलो द सी, ये तो सारा हो गया हमारा। इट ऑल्सो शोज व्हाट द कलर रिप्रेजेंट ऑन द मैप, ये भी बता रही है कि कलर ऑन द मैप क्या क्या कलर स्कीम हम किस किस के लिए यूज कर रहे हैं। चैप्टर तो हो गया बच्चा पार्टी फिनिश। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसकी बैक एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, दैट आई विल डू लेटर ऑन। पहले आप करो होमवर्क और खुद ट्राई करके देखो, फिर मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर बैक एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ बना के नोट्स जो है फिर वो आपको मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेने वाले हैं पार्लर्स एंड मेलेडियंस। पार्लर एंड मेलेडियंस मैं कोशिश करूंगी आज ही अपलोड कर दूं, जिससे एटलीस्ट दो चैप्टर यानी यूटी वन की तैयारी जो है आपकी जल्दी से हो जाए, ठीक है। नोट्स वगैरह मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, बशर्त आपको क्या करना है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने सारे लोगों की हेल्प होगी, ठीक है। तो चलो करते एक दूसरे की मिलकर हेल्प और मिलते हैं अपने नए वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप नए हैं, पुराने हो गए हो तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो बस जल्दी जल्दी शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी एक और नया चैनल मेरा जो चल रहा है, प्लीज़ 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 उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास वन से लेकर एट्थ तक सभी जो सब्जेक्ट्स होंगे और सभी क्लासेस की वीडियोज़ उस पर आएंगी, और शुरुआत तो मैंने करी दी है उस चैनल की। और चैनल है ई लर्निंग, ई फॉर एलिफेंट, ई लर्निंग बाय निधि भटनागर, आई एम नॉट एलिफेंट, हाँ, ई लर्निंग बाय निधि भटनागर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बाय निधि भटनागर। तो आई होप आप सभी उसको सब्सक्राइब करेंगे, आपके फ्रेंड्स नेबर्स वगैरह सब, वन से लेकर एट तक तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसीलिए मैंने वो एक कॉमन चैनल बना दिया है, ठीक है। तो चलो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।